गैस, पिछले वीडियो में हमने ग्रिड के बारे में देखा। हमने एक इंट्रोडक्शन देखा ग्रिड का कि सीएसएस में ग्रिड क्या चीज़ होती है और किस तरह इस्तेमाल की जाती है। आज यहाँ पर क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा सबसे पहले तो, और उसका नाम मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ tut40.html, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये जो इतनी सारी फाइल्स हैं उनको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर सिर्फ tut40.html को खोलेंगे। और ये जो 40वीं फाइल है, आई थिंक ये 41वां वीडियो है, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने यहाँ पर एक नई फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है tut41.html, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी html की बॉयलर प्लेट लगा लूँगा। तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और एंटर मारा। आप टैब भी दबा सकते हो, ऑटो कम्प्लीट हो जाता है। और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ css grid, और आज हम जो है एक्चुअल ग्रिड बनाएंगे। पिछली बार हमने क्या किया था, एक ग्रिड बनाई थी, लेकिन उसमें हमने ये नहीं बताया था कि कितने रोज़ आने चाहिए, कितने कॉलम आने चाहिए। हमने सिर्फ ये बताया था कितने कॉलम आने चाहिए, और बाकी सब के सब खुद रोज़ में बढ़ जा रहे थे। रोज़ की जो लेंथ वगैरह है वो हमने बिल्कुल भी सेट नहीं करी थी। तो यहाँ पर वापस से वही करूँगा जो पहले किया था, और एक काम करता हूँ, उसको क्लास इस बार ग्रिड की देता हूँ, कंटेनर की नहीं देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक रखूँगा डिव डॉट बॉक्स, जैसे कि मैंने पहले रखा था। और डिव डॉट बॉक्स रखने के बाद उसके अंदर मैं चाहता हूँ मैं कंटेंट दूँ, और मैं यहाँ पर रखूँगा दिस इज़ बॉक्स और डैश करके, और जो भी नंबर है। और ऐसे बनाऊंगा मैं, कितने बना दूँ, 10 बना दूँ, ठीक है 10 बना देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। और ये शॉर्टकट जो है मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा और आप नहीं पूछोगे फिर से। और अगर आप लोग पूछ रहे हो तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो ये कि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, इसलिए जल्दी से एक्सेस करें। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। बैक टू दी VS कोड, ठीक है। यहाँ पर डॉट बॉक्स लिखूँगा, और जैसे ही मैं डॉट बॉक्स यहाँ पर लिखूँगा, बॉक्स को थोड़ा सजा देते हैं। एक तो बैकग्राउंड देना चाहूँगा बॉक्स को, रेड दे देता हूँ, रेड थोड़ा दिखता है आँखों को। और बॉर्डर दे देता हूँ 2 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और इसको लाइव सर्वर में खोलना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करूँगा और यहाँ गो लाइव पर क्लिक करके इसको मैं लाइव खोल लूँगा। और ये देखो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही आ गया। अभी मैंने यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड दी नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले मुझे ग्रिड में डिस्प्ले ग्रिड देनी पड़ेगी। डिस्प्ले ग्रिड दे दी मैंने, और जैसे ही मैं डिस्प्ले ग्रिड दूंगा उसके बाद मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कितने कॉलम्स कितने रोज़। तो मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज़ करके हम कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज़। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं फिर से FR यूनिट्स यूज़ करूँगा। मैंने आपको FR यूनिट्स के बारे में बताया था कि ये रोज़ को फ्रैक्शन में बांट देगी। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पर 1FR 1FR 4FR कर देता हूँ अगर, और इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर देखो ये जितना भी होने वाला था इसने क्या किया, अपने आप को बांट लिया। जो थर्ड वाला बॉक्स था उसने कहा कि मैं 4FR हो लेता हूँ, यानी कि पहले और दूसरे का 4 गुना, और बाकी सब 1FR 1FR हो गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो बाकी सारी रोज़ है, देखो पहली वाली 3 रो के बारे में तो मैंने बता दिया कितना मैं चाहता हूँ, मैंने 1FR 1FR और 4FR इसको रखने के लिए कहा, और जो बाकी जो रोज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 1FR हो जाती हैं। लेकिन अगर हम उनको ऑटो रोज़ को चेंज करना चाहते हैं तो ग्रिड ऑटो रोज़ एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो सारे हैं वो 3FR हो जाएं, तो यहाँ पर देखो बाकी सारे 3FR हो गए, और जो बॉक्स वाला 3 था वो हमने मेंशन किया था 4FR। इसको मैं 2FR भी कर सकता था, तो क्या होगा, जिनके बारे में आपने नहीं बताया वो 2FR हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो FR का मतलब क्या, फ्रैक्शन, यानी कि जो इसकी टोटल हाइट है पूरी ग्रिड की उसको बांट लेगा ये अपने आप में, सच दैट ये जो प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन 1:1:4 और बाकी में 2:2:2:2:2 करके इस रेशियो में बढ़ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है अगर आपको समझ में, तो मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। ग्रिड टेम्पलेट रोज़ क्या करती है, 3 रोज़ बनाएगी ये यहाँ पर, और बाकी के जो रोज़ बनेंगे, क्योंकि आइटम ज़्यादा हैं तो रोज़ और बनाने पड़ेंगे, तो और जो रोज़ बनाएंगे उसमें जो फ्रैक्शन है जो कि यानी उसकी हाइट रहने वाली है वो 2FR रहेगी, बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने कॉलम के बारे में देखा था। अब मान लो मैं कॉलम्स रखना चाहता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, अब क्योंकि मैं ग्रिड बना रहा हूँ तो मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज़ कर सकता हूँ। और मान लो मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर 1FR 4FR, मान लो 2 रखना चाहता हूँ मैं फॉर सम रीज़न, तो ये अपने आप को इस तरह बांट लेगा जैसे कि आपने देखा। फिर हमने पिछले वीडियो में ग्रिड गैप की बात की थी, वो भी मैं दे सकता हूँ। ग्रिड गैप अगर मैं 2 RAM दे दूँ तो जो स्पेसिंग है वो आ जाएगी यहाँ पर, और अगर मैं इसको 1 RAM ही कर दूँ तो आई थिंक वो काफ़ी रहेगी। 1 RAM मैंने कर दी, और सारे के सारे जो ग्रिड आइटम्स हैं उनके बीच में क्या आ गई, स्पेसिंग आ गई। तो अगर मैं इसको 3 कॉलम्स बनाना चाहता तो मैं यहाँ पर एक और दे दूँगा 3FR, मान लो मैं
इसको 2:4 यानी कि 1:4:2 में बांटना चाहता हूँ, मान लो 1:4:2, यानी कि जो ये रहेगा वो पहले वाले का 4 गुना और ये रहेगा वो पहले वाले का 2 गुना। तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया, और ये क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ रहा था एक बॉक्स, तो ये यहाँ पर इस तरह से एंड में आ गया। सो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने ग्रिड ऑटो रोज भी देखा, हमने इसको यूज़ किया, टेम्पलेट रोज़ को यूज़ किया, टेम्पलेट कॉलम्स को यूज़ किया, और हमने ऑटो रोज़ को यूज़ किया जो कि क्या करता था कि जिन रोज़ के बारे में हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था उन रोज़ की हाइट इससे डिटरमाइन होती थी। चलो यार ये तो हो गया बढ़िया। अब यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रिड में, लेआउट्स किस तरह बना सकते हैं हम। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक साइड बार बनाना चाहता हूँ, बाकी एक यहाँ पर एक कंटेंट बनाना चाहता हूँ, बाकी ये ऐसे रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ दिखाता हूँ बाय द वे आपको, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ रिस्पॉन्सिव और इसको छोटा करूँ, तो ये देखो यहाँ पर ना रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये देखो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक दिक्कत आ रही है, रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है, और इस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में जो है ग्रिड नहीं बनाई थी, तो इस वीडियो में हमने जो है ग्रिड बना दी है। अब इसको मीडिया क्वेरी से ऑब्वियसली आप लोग रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, आप चेंज कर सकते हो ये सारी वैल्यूज़ और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। लेकिन और भी स्मार्ट तरीके हैं जिससे आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, और हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया मीडिया क्वेरीज की मदद से। सो आई होप कि आप लोगों को वो प्रोजेक्ट जो है समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बार और करना चाहूँगा इस बात को मेंशन कि मैं रिपीट कर सकता हूँ। मान लो मैं 2FR रिपीट करना चाहता हूँ 4 बार, तो यहाँ पर देखो रिपीट 2FR मैंने किया, और यहाँ पर देखो ये 1, 2, 3, 4 बार रिपीट हो गया। अगर मैं इसको 8, 9 बार रिपीट करना चाहता तो ये देखो यहाँ पर 9 बॉक्स बन गए। और मैं इसको अगर ऐसे करूँगा तो ये बिल्कुल ऐसे फॉलो कर रहा है इस रूल को कि भाई ये जो कॉलम्स हैं वो 9 रहेंगे और इसकी जो विड्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये था हमारे ग्रिड, बेसिक सिंपल सी ग्रिड, और इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से ग्रिड बना सकते हैं, लेआउट बना सकते हैं, नेविगेशन मेन्यूज भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग ग्रिड के बारे में ये देखेंगे कि किस तरह हम लोग स्पैनिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं 9 को ज़रा कम करके आपको बताता हूँ, 4 करके बताता हूँ। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी ग्रिड बनी हुई है इसमें मैं चाहता हूँ कि जो बॉक्स 1 है वो ये 4 सेल ले ले जिनको मैं अभी गोला कर रहा हूँ, ये 4 सेल जो है 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये 4 सेल, ये और ये, तब मैं कैसे करूँगा। तो वो सारी चीज़ें जो है आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे। आई होप कि वेब डेवलपमेंट आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और ये प्लेलिस्ट आप लोगों ने एक्सेस कर ली होगी, तो आप इसको बुकमार्क कर लेना और सेव कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और अगर आप लोगों ने वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि आप लोग इन वीडियो को भी लाइक करते रहिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ लाने में। सोर्स कोड सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डालता जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.